हाँ जी, सीए फाइनल वालों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलो जी, आज हम लोग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आपके फेमा के सबसे लास्ट पोर्शन में दे रखा होगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलो जी, आज इसको शुरू करते हैं। आज एक नए लुक में देख रहे होंगे मुझे, क्यों? क्योंकि आज मुझे थोड़ा लिखना है और आपको भी मेरे साथ लिखना है, तो इसलिए आप नए लुक में आप मुझे देख रहे होंगे। चलिए शुरू करें जी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब सवाल उठा कि हमारे पास ना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स भी हैं और कुछ रेगुलेशंस भी हैं। अच्छा, इतना तो हम जानते हैं कि रूल्स कौन बनाता है। जब अगर मैं बात करूँ ना कि रूल्स रूल्स कौन बनाता है, तो रूल्स बनाने का काम करता है सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रूल बनाती है? अपने किसी मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है जी। और रेगुलेशंस कौन बनाता है? रेगुलेशंस बनाने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई संस्था। फॉर एग्जांपल फेमा की बात कर रहा हूं तो फिर आरबीआई। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में एक फर्क होता है, ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सेक्शन सिक्स, याद करो। सेक्शन सिक्स के दो पोर्शन थे, एक था टू और एक था सेक्शन सिक्स टू ए। यहां पे लिखा हुआ था कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी, और यहां पे लिखा था, अगर आपको याद हो, सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। कुछ याद आया? यही था, ठीक है जी। अब दोनों के बीच में एक और फर्क था, वो क्या? कि आरबीआई जब इन कंसल्टेशन विद द सीजी रूल बनाएगा, तो इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए भी बना सकता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई बनाएगी तो डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं बनाएगी, एक्सक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट। इतनी बात क्लियर? अब हुआ क्या, जब हम लोग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए रूल बना, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ला रहे थे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशों में इन्वेस्टमेंट, तो विदेशों में इन्वेस्टमेंट इक्विटी की फॉर्म में भी हो सकती है और डेट की फॉर्म में भी हो सकती है। विदेशों में आप लोन भी दे सकते हो और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो अगर तो बात रही इक्विटी के लिए, तो उसके लिए तो मैंने कहा जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई क्या बना दिए होंगे? रूल्स। तो यानी कि हमने दिए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स, या सॉरी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स इन 2022। पर डेट के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, डेट के लिए तो केवल आरबीआई के पास पावर है इन कंसल्टेशन विद द सीजी। तो जब आरबीआई बनाएगा तो रेगुलेशन बनेंगी, तो इसका मतलब डेट के लिए बना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेशंस 2022। तो रिजल्ट ये हुआ कि आपके सिलेबस में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज की डेट में रूल्स भी हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, और रेगुलेशंस भी हैं क्योंकि डेट के लिए हैं और आरबीआई ने बनाई हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब मेरे लिए कुछ पॉइंट बड़े, कुछ डेफिनेशंस पहले जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से मैं पहली डेफिनेशन पे आता हूँ सबसे पहले, जिसका नाम है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ओआई। जब मैं कहता हूँ ना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा दो चीजें, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनको मिलाकर बनती है क्या? इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा सर फाइनेंशियल कमिटमेंट और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट की। फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन ऊपर दी होगी, ए बी सी डी ई एफ
ये आ गई फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन। लो जी, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन है। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल कमिटमेंट, हम ओवरसीज की बात कर रहे हैं, यानी कि विदेशों में हो रहा है, विदेशों में फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कैसे? थ्रू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में एक चीज आई ओडीआई। अब पहले ओडीआई क्या है मुझे ये भी समझना पड़ेगा। उसके अलावा डेट के रूप में, डेट वो जो अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। तो यानी कि फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या आता है, जब पीआरआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये क्या होती है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखते हैं। हमने पहले सबसे क्या पहले क्या किया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा जी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब है फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा पहले जी फाइनेंशियल कमिटमेंट समझते हैं। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस उसके अलावा डेट में इन्वेस्टमेंट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा एक और चीज आती है फाइनेंशियल कमिटमेंट में, वो है नॉन फंड बेस्ड लिमिट। नॉन फंड लिमिट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विदेशों के लिए अपनी गारंटी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल गारंटी, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट मींस एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पीआरआई बाय द वे ऑफ ओडीआई डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन अ फाइनेंशियल एंटिटी इन अ फॉरेन एंटिटी और एंटिटी इन विद द ओडीआई इज मेड and shall include the non-fund based facility extended by such person to or on behalf of such foreign entity or entities। यानी कि किसी foreign entity के लिए आप guarantee दे रहे हो, for example guarantee for foreign entity, कोई guarantee दे रहे हो आप किसके लिए, किसी foreign entity के लिए। अब ले देकर मैं पहले समझने चला था, मैंने कहा जी overseas investment क्या होती है। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब अगर कोई पीआरआई विदेशों में इन्वेस्ट कर रहा है उसे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये तो हो गया देसी भाषा में, बड़ा जनरल लैंग्वेज में, बट इसी को मैंने टेक्निकल भाषा में पढ़ा। मैंने कहा जी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब है फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फिर मैंने समझने आया, मैंने कहा जी फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या है, तो मुझे पता लगा फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए मुझे एक और टर्म समझनी पड़ेगी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर उसमें डेट भी आते हैं अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर उसमें नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी भी आती है जो कि कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसी फॉरेन एंटिटी के लिए देता है। अच्छा, अब यहाँ पे हाथों हाथ एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, वो है फॉरेन एंटिटी क्या होती है। आइएगा फॉरेन एंटिटी, फॉरेन एंटिटी क्या होती है पढ़िएगा। फॉरेन एंटिटी मीन्स एन एंटिटी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सर्विस सेंटर डेट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। याद है आईएफएससी कहाँ है हमारा, हमारा इकलौता आईएफएससी कहाँ है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो वहां पर जो एंटिटी इस्टेब्लिश होंगी क्या उसे भी फॉरेन एंटिटी मान लूंगा, यस, बट प्रोवाइडेड उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि फर्म्स वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, एचयूएफ सोसाइटी ये नहीं होनी चाहिए। Provided that the restriction of limited liability shall not apply to an entity with a core activity in the strategic sector. Oh my God! तो foreign entity का मतलब क्या हुआ, जरा summarize करना। पहली बात कहता है entity formed outside India. तो इसका मतलब इसमें include होता है क्या, कोई IFSC एंटिटी इन IFSC विद लिमिटेड लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जो IFSC में खुलेगी, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद however, इफ एंटिटी इवन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कोई भी हो इन IFSC में है
इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर तो वो भी आपकी फाइनेंशियल एंटिटी की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाएगा। तो फाइनेंशियल सॉरी फॉरेन एंटिटी क्या होती है, वो एंटिटी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, इसमें वो भी आएगा जो आईएफएससी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई विद द लिमिटेड लायबिलिटी। बट हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लिमिटेड लायबिलिटी हो या नहीं हो, अगर आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर हो तो आपको फिर भी चाहे आप आईएफएससी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हो विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, तब भी मैं आपको फॉरेन एंटिटी ही मानूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है, पहले यहां पर आते हैं। स्ट्रेटेजी सेक्टर, लो जी, इसका मतलब क्या है, ऐसी एंटिटीज जो एनर्जी में लगी हुई हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल गैस कोल माइंस में लगी हुई हैं, या फिर स्टार्टअप्स जैसे हो गए, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर कहा जाता है। तो अगर आईएफएससी के अंदर कोई पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश हुई है इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, स्टिल इट वुड बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन एंटिटी। यस, क्लियर हो गई इतनी बात। तो एक बार दोबारा रिकॉल कीजिएगा, अभी तक क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स। अभी हमें रेगुलेशंस भी करनी है, पहले हम रूल्स कर रहे हैं। जब मैंने कहा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स मैं कर रहा हूं, तो फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होती क्या है, मैंने कहा दो चीजें, पहला फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, मैंने कहा जी फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी प्लस डेट इंस्ट्रूमेंट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ले देकर डेट थोड़ा बहुत मुझे क्लियर हुआ होगा, ले देकर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी भी मुझे फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्लियर हुआ होगा, पर अभी तक मुझे यह क्लियर नहीं हुआ कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। अब ये दोनों क्लियर हों तो बात बने भाई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आइए जी पहले हम आते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लो जी, ये रहा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओडीआई। इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड्स पहली चीज एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी। ये लिखवा इसलिए रहा हूं मैं आज आपको क्योंकि ऐसे टेक्निकल चीजें हैं, इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि अगर मैंने इसे समराइज करके दे दिया होता, ये लिखा हुआ आपको दे दिया होता, मजा ना आता, आपको समझ ना आता, क्योंकि ये इतनी पेचीदा चीजें हैं। तभी मैं चाह रहा हूं कि आप खुद बड़े फुर्सत के वातावरण में खुद लिखें ताकि दिमाग में ज्यादा 3 times ज्यादा जाता है। और ये आज पहली बार ऐसा टॉपिक आया जहां मुझे ऐसा करवाना पड़ रहा है। तो एक्विजिशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी, मैंने कहा रूल्स हैं तो रूल्स में हम इक्विटी की बात करेंगे, ठीक है, डेट के बाद हम रेगुलेशंस में करेंगे। सेकंड और सब्सक्रिप्शन अगर आप करते हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में बैठे हुए किसी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ओडीआई है। अगर सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी फॉरेन एंटिटी का तो ये ओडीआई है। थर्ड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी तो यह भी ओडीआई है। तो ओडीआई क्या क्या है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना किसी फॉरेन एंटिटी के, फिर एटलीस्ट 10% ऑफ द इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना ऑफ द लिस्टेड एंटिटी के, या फिर सब्सक्राइब करना किसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, लिस्टेड और अनलिस्टेड किसी के भी। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल, यानी कि आपके पास कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल है, इवन इफ जो इन्वेस्टमेंट है
इज लेस देन 10% है ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी। अगर लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 10% है तो ये ओडीआई है, परंतु मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट 10% से कम है परंतु आपके पास कंट्रोल है, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। पांचवा हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ओडीआई में क्या क्या आता है जरा रिकॉल करेंगे। पहला, अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं किसी अनलिस्टेड एंटिटी के, फॉरेन एंटिटी के। दूसरा, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब करते हैं। लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो कम से कम 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपके पास है। लिस्टेड कंपनी की ही बात करूं, अगर आपके पास 10% से कम है परंतु आपके पास कंट्रोल है उस फॉरेन एंटिटी का, तो इसका मतलब है आपने क्या क्या रखा है, आपने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आइएगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट बाय द वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल ऑफ द फॉरेन एंटिटी और सब्सक्रिप्शन एज अ पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द फॉरेन एंटिटी और इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड फॉरेन एंटिटी और इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द लिस्टेड फॉरेन एंटिटी। तो चार चीजें आ गई, आगे कहते हैं वेयर एन इन्वेस्टमेंट बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ द फॉरेन एंटिटी इज क्लासिफाइड एज अ ओडीआई, यानी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की वो ओडीआई हो गई, बाद में वो ओडीआई नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने लिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट किया था तो 10% से ज्यादा गया था, ओडीआई हो गया, बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से कम आ गई। सच इन्वेस्टमेंट शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ओडीआई इफ इवन इफ द इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू अ लेवल बिलो 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल और सच पर्सन लूजेस द कंट्रोल इन द फॉरेन एंटिटी। ठीक है, ये अच्छा पैरा एक्सप्लेनेशन वाला, ध्यान रखना। ये खतरा फॉल होने का कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी या नहीं, केवल थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ही पॉसिबल है। सेकंड में तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं मेमोरेंडम को, तो अब तो चेंज हो नहीं सकता। फर्स्ट में कह रहा है आपने कोई भी इक्विटी शेयर अनलिस्टेड एंटिटी के एक्वायर किए हैं, अगर कोई भी एक्वायर किए हैं तो ओडीआई है भाई, एक रुपए का भी शेयर अगर एक्वायर किया तो ओडीआई है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में इवन इफ इन्वेस्टमेंट फॉल बिलो 10% और कंट्रोल लॉस्ट स्टिल ओडीआई रहोगे स्टिल ओडीआई रहोगे। अब यहां पर एक चीज आई है, क्या कंट्रोल। चलिए कंट्रोल पे जाने से पहले एक बार ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी देख लें। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लो जी ये रहा ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जी। पहले तो इसकी समरी पे आ जाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की समरी पर। लो जी, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहता है जी, अदर देन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, आपने लिस्टेड एंटिटी पे इन्वेस्ट किया, 10% से कम इन्वेस्ट किया और कंट्रोल भी नहीं है, तो ये क्या है, ओपीआई है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी विच इज लिस्टेड प्लस लेस देन 10% प्लस नो कंट्रोल, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लिखा अदर देन ओडीआई, जो ओडीआई नहीं है वो ओपीआई है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, कोई भी सिक्योरिटी जो कि इशू की जाती है बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो वो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कोई सिक्योरिटी इशू करता है
तो उसकी सिक्योरिटी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस यूएसए ने कोई सिक्योरिटी इशू किया, इन्फोसिस यूएसए किसके अंडर आती है, इन्फोसिस इंडिया के, तो इन्फोसिस यूएसए ने अगर विदेशों में कोई एडीआर जीडीआर इशू किए हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ध्यान रखना वो ओपीआई नहीं है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बाय पीआरआई इन एडीआर जीडीआर इशूड बाय इन्फोसिस यूएसए। क्लियर? इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड किया जाएगा कोई भी सिक्योरिटी जो कि पीआरआई इशू करती है। हमारा पर्पस है कहां बढ़ावा देना, किसको, आईएफएससी को, हु इज आईएफएससी। आईएफएससी में मौजूद अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसे फिर भी कह रहा हूं, उसे फिर भी मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं। तो आईएफएससी में मौजूद कंपनियों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, आइएगा जरा देखते हैं। तो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मींस द इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई इन द फॉरेन सिक्योरिटीज बट नॉट इन एनी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, बट नॉट इन एनी डेट अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट और एनी सिक्योरिटी इश्यूड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन एन आईएफएससी। मैंने अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट को कटवाया नहीं ना, एक्सक्लूडिंग यहां लिख लेना। पहला अनलिस्टेड ये रहा, दूसरा ये रहा अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, ये ओपीआई नहीं है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ओडीआई के अलावा सब कुछ ओपीआई है, परंतु ओपीआई के अंदर दो चीजें एक्सक्लूड हैं। पहला अगर कोई सिक्योरिटी पीआरआईआई इशू करता है, दूसरा अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट जो विदेशों में इशू होते हैं, तो मैं उसे ओडीआई नहीं मानूंगा, डेट इंस्ट्रूमेंट को मैं ओडीआई में नहीं मानूंगा। ठीक है, तो यानी कि बट नॉट इन एन एनी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट किया जाता है। तो हमें पता है आप विदेशों में डेट लगा रहे हो, बट अगर आप अनलिस्टेड डेट लगा रहे हो तो मैं आपको अपनी ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका बेनिफिट नहीं लेने दूंगा। पता नहीं आपने कहाँ पैसा लगाया है, तो इसलिए। और सिक्योरिटी इशूड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज नॉट इन एन आईएफएससी। ठीक हो गई बात, ये भी हमने देखा। प्रोवाइडेड दैट ओपीआई बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इवन आफ्टर इट्स डीलिस्टिंग शेल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ओपीआई अंटिल एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द एंटिटी। तो यानी कि अगर एक बार ओपीआई हो, आपने लिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट किया, 10% से कम किया, विदाउट कंट्रोल किया, तो फिर चाहे वो बेशक डीलिस्टिंग हो गई मगर फिर भी आप क्या रहोगे, ओपीआई रहोगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 5 का क्लॉज नंबर ए, अभी हम आने वाले हैं वहां पर। फिलहाल यहां पर जो एग्जाम्पल दिया था ना, यहां पर लिख लेना इवन इफ सच फॉरेन एंटिटी बिकम डीलिस्टेड, तब भी आप ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ही बेनिफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही कहोगे। तो अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है। वो क्या, सबसे पहले हमने कहा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने कहा जी फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या है, मैंने कहा जी फाइनेंशियल कमिटमेंट में आता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं किसी फॉरेन एंटिटी के जो कि अनलिस्टेड है, जब आप लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं किसी फॉरेन एंटिटी के और इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 10% है, जब आप लिस्टेड एंटिटी में इन्वेस्ट करते हैं किसी फॉरेन एंटिटी के और वह इन्वेस्टमेंट 10% से कम है परंतु आपके पास उसका कंट्रोल है, तो ये ओडीआई है। इसके अलावा
इसके अलावा फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या आता है, ओडीआई प्लस सेकंड चीज क्या आती है, ओडीआई प्लस सेकंड चीज डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं जब, अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड इसके अंदर क्या आता है, जब नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हमारे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैंने कहा जी, जो अदर देन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी लिस्टेड फॉरन एंटिटी में आपने इन्वेस्ट किया, 10% से कम इन्वेस्टमेंट है, परंतु वो वहाँ पर आपका कंट्रोल भी नहीं है, तो इसे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फॉरेन कोई सिक्योरिटी इशू की गई है किसके द्वारा, किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के द्वारा, जैसे इन्फोसिस यूएसए ने कुछ सिक्योरिटी एडीआर जीडीआर इशू की, आपने उनमें उनमें इन्वेस्ट किया है, ये ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। सेकेंड इसमें एक्सक्लूड करते हैं हम अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट को, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट को मैं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकता। अच्छा, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं? अब लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है डेट इंस्ट्रूमेंट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, डेट इंस्ट्रूमेंट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट है, अभी जो आगे चल के हम समझेंगे। अभी फिलहाल डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए सब कुछ हमें कहां पर मिलने वाला है, वैसे रेगुलेशंस के अंदर। अतः तीसरा, कोई भी सिक्योरिटी जो इशू की जाती है पीआरआईआई के द्वारा, जो कि आईएफएससी में है, और तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए, अब हमारे पास डेफिनेशंस तो हमने काफ़ी सही, जो भी रेलेवेंट थी हमने कर ली हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर की भी डेफिनेशन कर ली है। अब एक काम करते हैं, जरा एक डेफिनेशन रह गई है कंट्रोल की, तो आइएगा जरा कंट्रोल को भी देख लेते हैं, और एक रह गई है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, वही की वही डेफिनेशन है, चेंज नहीं है कोई। एक मिनट रुक जाओ। रिलेटिव, देखो जी, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, जो सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दिया हुआ है ऑफ द कंपनी एक्ट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज अ नेचुरल पर्सन। अच्छा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन वही है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज वी में है, सेक्शन 2 वी ऑफ फेमा। ओके, LMNO PPQRS, पी कहां है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अरे भाई, चलो वैसे ही तेल निकाल रहा हूं मैं, वापस आइएगा आइएगा। अब यहां पर एक डेफिनेशन होगी आपकी कंट्रोल से, कंट्रोल के बाद फाइनेंशियल कमिटमेंट के बाद इंडियन एंटिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए, ABCDEFGHI, इंडियन एंटिटी, ये रहा। हाँ, यहां पे मुझे बताना पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होगा। यहां पर एक होगी इंडियन एंटिटी जो हम पढ़ रहे हैं, प्लस एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये दोनों मिलकर बनते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। समझ आ गई बात। इंडियन एंटिटी में कौन आता है, कंपनी, जो कि कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी स्पेसिफिक लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल LIC, फिर LLP, फिर पार्टनरशिप फॉर्म, दैट्स इट। इनकी ईयर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, 9 ऑफ 1932, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है फिलहाल 1932 का 9वां एक्ट था, 2013 का 18वां एक्ट था, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। खैर, तो ये इंडियन एंटिटी की डेफिनेशन हमने की। अब इंडियन एंटिटी के बाद मेरे पास जो अगली डेफिनेशन मुझे करनी है एक, वो करनी है कंट्रोल की, आएगा कंट्रोल की डेफिनेशन पे। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, द राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, और या तो आपके पास मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का अधिकार है, या फिर आपके पास
मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन जो एक्सरसाइज किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा, चाहे एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, मतलब कंसर्ट मतलब टुगेदर, किसी के साथ मिलकर, अगर आपके पास कंट्रोल है मैनेजमेंट का या पॉलिसीज का, और ये मैनेजमेंट के ऊपर या पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल आपके पास कैसे आया, बाय द वर्चू ऑफ, यानी कि किस रीजन से, शेयर होल्डिंग के कारण, मैनेजमेंट राइट्स के कारण, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट के कारण, वोटिंग एग्रीमेंट के कारण, डेट एंटाइटल देम, जो कि एंटाइटल करता है आपको कम से कम 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट और इन एनी अदर मैनर इन द एंटिटी, तो इसे कहा जाता है कंट्रोल। तो कंट्रोल के डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं कंट्रोल, पहला क्या है, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है जी। और ये कैसे आया कंट्रोल, बाय वर्च्यू ऑफ, या तो आपके पास ये कंट्रोल आया है शेयर होल्डिंग की वजह से, शेयर होल्डिंग, या फिर वोटिंग एग्रीमेंट की वजह से, या फिर किसी मैनेजमेंट राइट का एग्रीमेंट हुआ होगा, जहां पर आपके पास कम से कम मिनिमम 10% ऑफ वोटिंग राइट है, कम से कम 10% का वोटिंग राइट है, एंड यू हैव द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट या फिर पॉलिसीज पे बाय द वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, मतलब कम से कम 10% का वोटिंग राइट है, और 10% के वोटिंग राइट के साथ में आपको क्या मिला हुआ है, वोटिंग एग्रीमेंट मिला हुआ है, मतलब कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट या पॉलिसी मिला हुआ है। क्यों 10% के साथ ऐसा क्यों मिल गया, क्योंकि आपका इस तरीके के एग्रीमेंट हुए बड़े होंगे ना, या तो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट होगा, या वोटिंग एग्रीमेंट होगा, या मैनेजमेंट राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत है कि मार्केट में आपको कोई 10% पर मंथ पे ब्याज देने को तैयार है, इंटरेस्ट पे पैसा देने को तैयार है, पॉसिबल है कि शायद उसे हाँ कह दो आप, ये पॉसिबल है। इसलिए ऐसा कई बार होता है कि जो कंपनियां ओपन करते हैं, उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना वोटिंग राइट नहीं बेचते, कहते वोटिंग राइट हमारे पास रहेगा, वोटिंग राइट हम आपको 10% देंगे, बट हाँ, हमारे जो भी मेजर डिसीजंस होंगे उन सब के अंदर आपका कंट्रोल रहेगा, आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो कई तरीके की शेयर होल्डिंग बेची जाती है, जिनमें से एक ये है। तो वहाँ कंट्रोल को डिफाइन किया जाता है कि जब जब हम अमलगमेशन से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, जब जब हम ये डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, तो वहाँ पर डिफाइन किया जाता है हर एक चीज़ को, तो प्रॉपर एग्रीमेंट इन प्लेस बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोबारा बोलता हूँ, कंट्रोल का मतलब है कि अगर आपके पास किसी एंटिटी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास उनकी मैनेजमेंट या पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल है। ये कंट्रोल कैसे आ सकता है, पहली बात, आपके पास उसके एंटिटी के 10% का वोटिंग राइट होना चाहिए, प्लस दूसरी बात है, आपके पास ये जो कंट्रोल आया है ये किसी शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, वोटिंग एग्रीमेंट, या फिर मैनेजमेंट एग्रीमेंट वगैरह के कारण आया है। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए, तो बेसिकली जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी अब हम वो तो कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा डेफिनेशंस करने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार बार वर्ड आएगा होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है, या फिर होस्ट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, मींस द कंट्री और ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूडिंग द IFSC जहां पर फॉरेन एंटिटी फॉर्मड की गई है, तो उसे क्या कहते हैं, होस्ट कंट्री। मतलब अगर मैं, मान लीजिए, कैनेडा में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किसी कंपनी में, तो वो फॉरेन एंटिटी है, तो होस्ट कंट्री मेरे लिए कौन हुई, कैनेडा, ठीक है। चलिए, बस ये और कोई डेफिनेशन मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सीधा रूल्स के ऊपर आ सकता हूँ, आएगा जी, रूल्स के ऊपर आ जाइएगा आप सीधा। लो जी, सबसे पहले रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 से कथा को शुरू करते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग इन सर्टेन केसेस, यानी कि इस रूल में लिखी गई कोई भी बात, न केवल इस रूल की बल्कि रेगुलेशंस की भी कोई भी बात, रूल्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस कुछ भी अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एन आईएफएससी। हमारा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आईएफएससी में एस्टेब्लिश हुआ है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया करता है, ना ये रूल लगेंगे ना ये रेगुलेशंस लगेंगे। फिर एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। फिर कोई भी फॉरेन करेंसी रिसोर्सेस जो कि हेल्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, याद होगा आपको एक पर्सन किया था, पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, याद है। फिर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, याद है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगर कुछ भी एक्वायर करता है बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ना ये रूल लगेंगे ना ये रेगुलेशंस लगेंगे। मतलब लिखेगा, समरी में लिख दीजिएगा, रूल्स ऑब्लिक रेगुलेशंस दोनों ही नहीं लगेंगे। नॉट एप्लीकेबल टू कब, पहला इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन आईएफएससी, दूसरा एक्विजिशन ऑब्लिक ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड आउट ऑफ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। कुछ भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, कहां से, आरएफसी अकाउंट से, या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, और तीसरा एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 जो आपको इनहेरिटेंस के थ्रू मिला था, वहां से अगर जो पैसा मिला है आपको वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ना इन रूल्स में कवर होगे ना इन रेगुलेशंस में कवर होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यानी कि ये ना ये रूल लगेंगे ना ये रेगुलेशन लगेंगे इन सब जगह पर। ठीक है, उसके बाद आइएगा डेट इंस्ट्रूमेंट और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आए हैं, कुछ वहां पर आए हैं। ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, कंपनियों के बॉन्ड्स, ऑल द ट्रेंचे ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर विच आर नॉट इक्विटी ट्रेंचे। ट्रेंचे ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंकों में एक एनपीए हुआ, बैंकों का एक एनपीए हुआ, अब आप बैंक जो है उस पैसे को रिकवर करने में, मतलब दे वर शोइंग देयर इनएबिलिटी टू रिकवर डेट अमाउंट। अब मार्केट में एक कंपनी थी जिसका नाम था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका काम था बैंकों के पास अगर ऐसा कोई एनपीए आता है तो उस एनपीए को ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंक को अप्रोच किया कि आपके पास एनपीए है? बैंक ने कहा जी बिल्कुल है, 30 करोड़ का लोन दिया था, सिक्योरिटी भी है, बट हम इस सिक्योरिटी को रिकवर करने में अनेबल हैं। क्यों? क्योंकि भाई कई रीज़न हो सकते हैं, ना हमारे पास ऐसा स्टाफ है, ना हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज, और बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना था कि डोंट वरी, हम तो इस काम में स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारी भाई हम कर लेंगे, चिंता मत करो, हमारी चिंता मत करो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अप्रोच किया बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास, ये इन्वेस्टर्स थे, इनके पास कौन पहुंचा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन्हें कहा कि लाओ पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो हम ये पैसा किसको देंगे? बैंक को, और बैंक बदले में हमें क्या देगा? अपना एनपीए। अब वो 30 करोड़ का लोन है जिसपे शायद 30 करोड़ की एसेट भी है,
अब क्योंकि उस एसेट को रिकवर करने में बैंक अनेबल है, तो फिर बैंक वो लोन अब सस्ते में ट्रांसफर कर देगा। मींस भाई आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कोई कब्जा कर लिया तो उस प्रॉपर्टी के दाम गिर जाते हैं ना। सिमिलरली बैंक की प्रॉपर्टी एनपीए हो गई, बैंक नहीं रिकवर कर पा रहा, बैंक के ऑफिसर वहां जाते हैं, मार खा के आते हैं। दूर दराज के किसी एरिया में निकल जाओ तो भाई सब ऐसे खतरनाक लोग हैं जिनको लोन दिए गए हैं, उनसे आप रिकवरी कैसे करोगे? कई ऐसे गांव हैं जहां रिकवरी करने के लिए जाते हैं सीधा चार कंधों पे लोग वापस आते हैं, ऐसा कई बार होता है। मैं लीगल डिपार्टमेंट में था, मुझे एक बार कहा गया था कि प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है। मैं लीगल डिपार्टमेंट तब हेड कर रहा था, किसका? धनलक्ष्मी बैंक का। तो मैं जब प्रॉपर्टी पे देखने गया, मेरा फर्स्ट मेरी जिंदगी की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर मुझे लॉक करना था एज अ लीगल ऑफिसर। तो उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉल आया, मैंने जिंदगी में किसी कन्या से नॉनवेज नहीं सुनी थी, उस दिन सुनी पहली बार। और वो भी नॉनवेज, जब मैं कह रहा हूँ तो बड़े लेवल की, उसने कोई कुत्ते कमीने नहीं कहा था, उसने बड़े लेवल की दी थी, समझ गए? तो मतलब लाइफ में पहली बार मैं ऐसी गालियां सुन रहा था। फिर उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम था कि धनलक्ष्मी बैंक के ऑथराइज ऑफिसर की लापरवाही की वजह से रोहिणी के एक मकान में दो छोटे छोटे कुत्ते मकान के अंदर ही बंद हो गए, जबकि रियलिटी में कोई कुत्ते नहीं थे, बोरोवर ने भी एक्सेप्ट किया। बट ये इतना ऐसा अजीब काम है तो बैंक अपने ऑफिसर्स को फिर डालते ही नहीं है। मैंने भी अपने बॉस को मना किया था, मैं कहा बॉस मैंने काम किया नहीं। कहने लगे डोंट वरी मैं तेरे साथ हूं। तो जब मैं ये काम करके आ गया तो फिर बोरोवर का फोन आया कि मेरे कुत्ते बंद है वहां पर, उन कुत्तों को खोलने आओ। तो मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैं कहा बॉस वो कह रहा है कुत्ते बंद है। तो मेरा बॉस ने बड़ी प्यारी सजेशन दी, उसने कहा हमें दिल्ली छोड़ के भाग जा, किसी भी होटल में रहने लग जा कुछ दिन तक, जब तक ये केस नहीं आता। मैं कहा यार मैंने किया क्या है, मैंने कर क्या दिया भाई, क्या कर रहे हो तुम? मतलब एक ही रात में मैं क्या, मतलब क्या बन गया हूं? मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा भाई, कहीं जो मर्जी करो। ये लक की बात है कि अगले दिन छुट्टी थी, उससे अगले दिन कोर्ट में हियरिंग थी, कुत्ते थे नहीं। ये बॉरोवर प्रेशर डाल रहा था कि लॉक खोल दो, बट बड़े खतरनाक काम होते हैं। तो बैंक अपने ऑफिसर्स को जनरली इन कामों में लगाता नहीं है, बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन्हीं कामों के लिए बनी है। तो इन्होंने इन्वेस्टर से पैसा मंगाया, और पैसा मंगाया मतलब किस फॉर्म में? डेट की फॉर्म में, और बैंक को दिया और बैंक से उसका एनपीए ले लिया। अब वो एनपीए से पूरा रिकवर करेंगे तो यही प्रॉफिट है इन्वेस्टर्स का, ठीक है ना? तो इसे डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर बोरोइंग बाय द फर्म्स, ये जो बदले में जो पैसा उठाए ना डेट, इसके बदले में जो इनको सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो वो कहलाती है डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप जब बैंक में जमा कराते हो पैसा तो बैंक आपको रसीद देते हैं ना, तो उसे कहते हो बैंक रिसिप्ट। सिमिलरली इन्वेस्टर जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डेट देंगे तो बदले में जो रिसिप्ट मिलेगी डेट इज कॉल्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर बोरोइंग बाय द फर्म थ्रू द लोन्स एंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट वेयर अंडरलाइंग सिक्योरिटी आर द डेट सिक्योरिटीज। सिमिलरली अगर आपने विदेशों में डेट सिक्योरिटीज इशू किए हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए हैं जो कि डेट की फॉर्म में, विदेशों में डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो फिर उसे भी क्या कहा जाएगा? डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? नेक्स्ट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में डेट के अलावा और क्या क्या आएगा? ऑल इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इन द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कौन सा है। कैपिटल पार्टिसिपेशन किसी एलएलपी में, ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहती ही यही है कि अदर देन नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करती है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इक्विटी लगाते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर म्यूचुअल फंड या फिर ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, विच इन्वेस्ट मोर देन 50% इन द इक्विटी। तो कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर ETF जो कि 50% से ज्यादा लगाता है, कहां पर? इक्विटी में। फिर द जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, वही जो मैंने सिक्योरिटाइजेशन सिखाया, वहां पर अगर आप इन्वेस्टर से डेट की फॉर्म में नहीं इक्विटी की फॉर्म में पैसा ले रहे हो, तो लिक्विडेशन के टाइम पर क्या मैं कह सकता हूँ, इक्विटी को सबसे लास्ट में पेमेंट होती है। पहले तो डेट को पेमेंट होती है, फिर प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को। तो इक्विटी को सबसे लास्ट में पेमेंट होती है, डेट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जूनियर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे नीचे लेयर आती है वो।
ऑफ इक्विटी ट्रेंचे। इक्विटी ट्रेंचे का मतलब इक्विटी के बदले में, इक्विटी के बदले में आपने पैसा उठाया है उनसे, इन्वेस्टर से। आगे ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को जहां पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी बैंक का लोन उठाती है, एनपीए उठाती है, और बदले में इन्वेस्टर से पैसा लेके उस पैसे की पेमेंट बैंक को करती है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर एक्विजिशन, सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वो पूछ सकता है डेट है नॉन डेट है, नॉन डेट है ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट के अंदर करते हो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड अगेंस्ट द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल एडीआर, जीडीआर, ये सब क्या है? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में कहलाते हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? डेट और नॉन डेट का हमने क्लासिफिकेशन देखा। आगे बढ़ते हैं जी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, देखो जी, अब जो इन्वेस्टमेंट आप पहले से ही कर चुके हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया जो कि आप उस वक्त के लॉ के अनुसार कर चुके थे, इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और द रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, और एंड हेल्ड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट, माना जाएगा कि वो इन्हीं रूल्स के अनुसार किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज वो सारे के सारे इनवैलिड घोषित हो जाएंगे। यानी कि ऑलरेडी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑलरेडी मेड विल कंटिन्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बट ध्यान रखना है इस बात का। फिर भी फिर आता है राइट इशू एंड बोनस इशू। राइट इशू एंड बोनस इशू क्या कहना चाह रहा है? कहते जी ऐसा है कि अगर मैं किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात करूं और अगर उसने एक्वायर्ड किया है, क्या एक्वायर्ड किया है? इक्विटी एक्वायर्ड की है। किसकी इक्विटी एक्वायर्ड किया है? किसी फॉरेन एंटिटी की। तो फॉरेन एंटिटी की अगर आपने इक्विटी इक्विटी एक्वायर की है और वो फॉरेन एंटिटी अब आपको राइट शेयर ऑफर कर रही है, तो क्या मना है? नहीं, बिल्कुल मना नहीं होगा। मे इन्वेस्ट इन, याद करो सेक्शन 186 के अंदर मैंने बताया था कि अगर फर्दर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो फिर पहले 186 सबसेक्शन 5 यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन का पालन करना पड़ेगा। बट फिर हमने कहा था नथिंग शेल अप्लाई जब आप राइट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। टाटा का एग्जांपल लिया था, याद हो अगर तो। सेम कॉन्सेप्ट लगाया लॉ मेकर्स ने। राइट शेयर में इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। मे इन्वेस्ट इन इक्विटी बाय राइट या फिर बोनस शेयर मिलते हैं तो भाई तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है, क्या दिक्कत है? तो बोनस ग्रांटेड, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट पीआरआई के पास ये भी अधिकार है, ही मे इवन रिनाउंस, मतलब जो तुम्हें राइट मिलता है जब तुम अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करते हो, दिस इज कॉल्ड रिनाउंसमेंट। तो रिनाउंस कर सकता है अपना राइट, किसको रिनाउंस कर सकता है? टू किसी और पीआरआई को या फिर किसी और पीआरओआई को, किसी और पीआरआई को या फिर किसी और किसी पीआरओआई को। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। राइट इशू एंड बोनस इशू, लो जी, एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु हैज एक्वायर्ड और कंटिन्यू टू होल्ड द इक्विटी कैपिटल ऑफ एनी फॉरेन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर मे इन्वेस्ट इन द इक्विटी कैपिटल इशूड बाय सच फॉरेन एंटिटी एज अ राइट इशू और मे बी ग्रांटेड बोनस शेयर सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर दीज रूल्स। तो बोनस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और राइट शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एक्वायरिंग द राइट्स मे रिनाउंस सच राइट इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले रूल की तरफ आते हैं, रूल नंबर 8, प्रोहिबिशन ऑन द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। प्रोहिबिशन ऑन द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ओके, क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और दीज रूल्स और रेगुलेशन मेड और डायरेक्शन इश्यूड अंडर द एक्ट। अच्छा, ये तो हो गया ग्लोबल ज्ञान।
नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल मेक और ट्रांसफर एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया। बेड़ा गर्क। तो सवाल उठा, हम इतनी देर से पढ़ क्यों रहे हैं? जब कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट या इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते, तो ये तो शुक्र है पहली लाइन ने बचा लिया, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि जब तक कहीं और ना लिखा हो, कहीं और लिखा है यस, सारा कॉन्सेप्ट ही अब वही है, तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे काट सकता हूं। समझ गए? क्योंकि सब अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखा हुआ है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, हाँ जी रेलेवेंट है जी काफी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल। अच्छा जी, एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी मेड इन द फॉरेन एंटिटी इंगेज इन द बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटीज। डायरेक्टली भी कर सकते हो और थ्रू स्टेप डाउन सब्सिडरी भी कर सकते हो और स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द लिमिट जो कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में दी गई होंगी। प्रोवाइडेड दैट द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्वैप ऑफ सिक्योरिटी इन द फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार दोबारा से पढ़ के देखना, अभी लिखते ही समझ आ जाएगा, अदरवाइज तो वैसे पढ़ के देखो वैसे क्या लिखा है। देखो जी, वो कहता है कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया चाहे डायरेक्टली या फिर किसी स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू अगर इन्वेस्ट करता है, कहां पर, किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर जो कि लगी हुई है कहां पर, इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगर इन्वेस्ट करता है किसी फॉरेन एंटिटी में जो कि किसी बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में लगी हुई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हो या फिर स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू हो, तो आप कर सकते हो यस। अब सवाल उठा सर, बोनाफाइड बिजनेस एंटिटीज क्या होती हैं? बोनाफाइड बिजनेस एंटिटी शैल मींस कोई भी बिजनेस जो लीगल हो, परमिसेबल अंडर एनी लॉ इन इंडिया और द होस्ट कंट्री, यानी कि एनी लीगल बिजनेस। तो कोई भी PRI, दोबारा बोलता हूं, इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी फॉरेन एंटिटी में जो कि बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में लगी हुई है, चाहे वो डायरेक्टली भी कर सकता है या स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू भी कर सकता है। स्टेप डाउन सब्सिडरी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है पोपलीज गारमेंट्स लिमिटेड, और पोपली गारमेंट्स लिमिटेड की सब्सिडरी है पोपली केमिकल्स लिमिटेड। तो पोपली केमिकल्स लिमिटेड पोपली इंडस्ट्रीज की क्या हो गई? स्टेप डाउन सब्सिडरी, यानी कि मैं पोपली, मेरी औलाद छोटा पोपली, छोटे की औलाद सुपर छोटा पोपली, तो सुपर छोटा पोपली मेरी स्टेप डाउन सब्सिडरी है। समझ गए? चलिए, छोटा पोपली मेरी सब्सिडरी है, तो छोटा सुपर छोटा पोपली स्टेप डाउन सब्सिडरी है। मतलब सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी SD सब्सिडरी, ऐसे चलता है। अच्छा एक बात सुनना, बट अगर ये फॉरेन एंटिटी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो अगर पाकिस्तान में है, तो करने से पहले रुक जाओ, हैंग ऑन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो। एनी इन्वेस्टमेंट पब्लिक ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी इन पाकिस्तान, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए किसकी? CG की, ऑफ CG। तो पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एंटिटी, जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड किसी भी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगी भाई साहब, ऐसे आप वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे प्यारा मुल्क है, तो वहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट हम आपको नहीं करने देंगे। आगे बढ़े, अब आता है सब रूल नंबर 2। नथिंग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, मतलब
नॉट विज ओवर रूल कर रहा है इन रूल्स को या रेगुलेशंस को. अच्छा क्या कहता है, रेलेवेंट नहीं है हालांकि, ये सब रूल टू छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन दी जाती है आरबीआई के द्वारा तो परमिट कर सकती है फाइनेंशियल कमिटमेंट किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में उस लिमिट के ऊपर जो कि रूल्स में दी जाएंगी. यानी कि लिमिट में दी गई रूल्स के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट. कहां पर? इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है. मेरे कहां है, जहां करा होगा वो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, मुझे क्या करना है. और दूसरा तो उससे भी बेकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर एप्लीकेशन दी जाए किसी डेजिग्नेटेड एडी बैंक के द्वारा फॉर द सफिशियंट रीजन परमिट कर सकता है किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को टू मेक और ट्रांसफर एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी लेड डाउन बाय इट. इसको तो बिल्कुल ही काट देना. इसको फिर भी देखना चाहते हो तो केवल लिख लो कि सीजी अगर एप्लीकेशन दी जाती है, इफ एप्लीकेशन किसके द्वारा, थ्रू आरबीआई, तो अलाउ कर सकती है फाइनेंशियल कमिटमेंट मोर देन द लिमिट. किस केस में? इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर. इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर. लो जी, बस इतनी सी बात ध्यान रखना. ग्लोबल ज्ञान है, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है. इस पे एमसीक्यू नहीं बन सकते कभी. ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ते हैं. फिर कहता है जी द रिजर्व बैंक इफ कंसीडर्ड मे इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिपुलेट कर सकता है सीलिंग फॉर द एग्रीगेट आउटफ्लो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट और द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और स्टिपुलेट कर सकता है सीलिंग बियॉन्ड विच द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल रिक्वायर इट्स अप्रूवल. ऐसी की तैसी कराओ. ग्लोबल चीजें नहीं है रेलिवेंट मेरे लिए. बहुत कुछ है भाई फेमा में, ये चीजें ग्लोबल चीजें रह गई हैं बस. मैं ये भी नहीं कह सकता कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी बनाएगा, नहीं बनाएगा. चलिए, बट फिर भी जो पढ़ के जाना चाहते हो ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है ये करने की, बस इतना ध्यान रख लेना. आगे अब आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. बहुत रेलेवेंट है ये, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत रेलेवेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऐसा है जिसका अकाउंट हो गया एनपीए, या फिर बंदा है विलफुल डिफॉल्टर, या फिर जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई चला रही है, ईडी चला रही है, या फिर सीरियस फ्रॉड ऑफिस एसएफआईओ वगैरह चला रहे हैं, और इसको आग लगी पड़ी है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया करने की, तो शैल बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट और अंडरटेकिंग डिस इन्वेस्टमेंट अंडर दीज रूल्स. डिस इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी स्टेक बेचना. और द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन ऑप्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट एजेंसी से भी, और इसके अलावा लेंडर्स बैंक से भी. अगर इन लोगों ने 60 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो माना जाएगा कि इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये डिफॉल्टर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है एज पर दिस रूल्स. ये जो नो ऑब्जेक्शन दिया जाएगा शैल बी एड्रेस बाय द लेंडिंग बैंक और द रेगुलेटर और इन्वेस्टमेंट एजेंसी कंसर्न. किसको एड्रेस करेंगे? डेजिग्नेटेड ईडी को. और साथ में एंडोर्समेंट किसको जाएगी? टू द एप्लीकेंट. मतलब कि हम ये एप्लीकेंट के लिए दे रहे हैं, बट दे तुम्हें रहे हैं. ठीक है, मतलब क्या है? अगर कोई भी पीआरआई है जिसका हैविंग एनपीए अकाउंट है, या फिर जो विलफुल डिफॉल्टर है, या फिर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, किसके द्वारा? बाय ईडी, सीबीआई या एसएफआईओ के द्वारा. और अगर ये पीआरआई अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाहता है,
या फिर डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो ही नीड एनओसी फ्रॉम, एनओसी कहां से चाहिए? लेंडर से चाहिए, रेगुलेटर से चाहिए, जो उसके रेगुलेट करता हो उस इंडस्ट्री को, इन्वेस्टिगेटर से चाहिए। एनओसी कैसे मिलेगी? स्टेप नंबर वन, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी राइटिंग में। स्टेप नंबर टू, अगर नो रिप्लाई विद इन 60 डेज तो इसे क्या मान लूंगा? इसे मैं कह दूंगा डीम्ड एनओसी है ये। स्टेप नंबर थर्ड, एनओसी किसके नाम पे होगी? एड्रेस टू लेंडर ऑब्लिक रेगुलेटर नहीं गड़बड़ कर दी शेल बी एड्रेस टू ऑथराइज डीलर प्लस इंडोर्समेंट किसको होगी, मतलब किसके लिए होगी? टू एप्लीकेंट के लिए। लो जी, तो मांगी जाएगी लेंडर रेगुलेटर्स वगैरह से, वो किसको देंगे? ऑथराइज डीलर के नाम पर देंगे, और किसके लिए देंगे? एप्लीकेंट के लिए देंगे। दिस इज कॉल्ड इंडोर्स इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कहता है, मैनर ऑफ मेकिंग द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन एंटिटी। अगर आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप एक इंडियन एंटिटी हो, तो हमने उसके लिए शेड्यूल वन बनाया हुआ है, जहां पे पूरी लिमिट वगैरह सब कुछ दी हुई है, वहां जाके देख लेना। ओके, हमारे सिलेबस में है। अगर आप मान लीजिए ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप एक इंडियन एंटिटी हो, शेड्यूल टू बनाया हुआ है, वहां पे जाके देख लेना। अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, इंडियन एंटिटी नहीं, शेड्यूल थ्री बनाया हुआ है, वहां जाके देख लेना। अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओ भाई इनके अलावा भी कोई रह गया क्या? हाँ, वहां जाके देख लेना, शेड्यूल फोर के अंदर बात करेंगे हम। अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट IFSC करना चाहते हैं, कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के द्वारा, तो शेड्यूल फाइव बनाया हुआ है, वहां जाके देख लेना। ओके, अब आते हैं प्राइसिंग गाइडलाइंस। तो शेड्यूल्स तो अभी लास्ट में देखते हैं, फिलहाल आते हैं प्राइसिंग गाइडलाइंस के ऊपर। प्राइसिंग गाइडलाइंस क्या कहते हैं देखते हैं। प्राइसिंग गाइडलाइंस कहती हैं कि भैया ऐसा है कि अगर मैं कहता हूं कोई भी इशू या ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी कैपिटल हो रहा है किसी फॉरेन एंटिटी का फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज एलिजिबल टू मेक सच इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो प्राइस जो है वो आर्म लेंथ बेसिस पे निकाला जाएगा। प्राइस कैसे निकाला जाएगा? आर्म लेंथ बेसिस के बेसिस पे निकाला जाएगा। फिर कहता है जी, एडी बैंक बिफोर फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजैक्शन ये इंश्योर करेगा कि आर्म लेंथ बेसिस पे ही प्राइस निकला है। कैसे? वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट मंगाएगा एज पर द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी फॉर द वैल्यूएशन, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी उसके बेसिस पर एडी कैटेगरी वन बैंक जो है वो अलाउ कर देगा बिफोर फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजैक्शन, अलाउ करने से पहले।
अब कहना क्या चाहता है जरा गौर कीजिएगा, ये कहना चाह रहा है प्राइसिंग से रिलेटेड कि अगर मान लीजिए कोई भी इशू हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी, कहां से किसको फ्रॉम, एक दो तीन, PROI से टू PRI, PRI से टू PRI, PRI से टू PROI। बात समझ आई? अगर कोई भी इशू या ट्रांसफर हो रहा है ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द फॉरेन एंटिटी, कहां से किसको, PROI से PRI, PRI से PRI, PRI से PROI, ये कौन है PRI जो कि एलिजिबल है? तो क्योंकि हमारा PRI कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये जो ट्रांसफर होगा ये कैसे होगा, ये होना चाहिए एट आर्म लेंथ प्राइस। और ये आर्म लेंथ कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, हाउ टू डिटरमाइन, मैं कह सकता हूं ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। कौन कंसीडर्ड करेगा इसे, कंसीडर्ड बाय एडी। लो जी, अब पूरा रूल पढ़ के देख लेना, अब सब तक अब सारा कुछ क्लियर होगा। तो कोई भी इश्यू या ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है PROI से PRI, PRI से PRI, और PRI एलिजिबल होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर PRI से PROI, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट देखा जाएगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट देखी जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी उसको देखा जाएगा। और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट को कंसीडर्ड कौन करेगा भाई, कंसीडर्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है जी, तो ये प्राइसिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। आगे बढ़ते हैं जी, फिर आता है ट्रांसफर और लिक्विडेशन, ट्रांसफर और लिक्विडेशन। ओके, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आएगा, ये दो तीन पार्ट में छोटी छोटी समरी बनेगी इसकी। कहता है ट्रांसफर और लिक्विडेशन में पहले समरी बनाते हैं उसके बाद पढ़ेंगे इसे। कहता है जी, अगर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, आपके पास इक्विटी कैपिटल है, किसी फॉरेन एंटिटी में, इन फॉरेन एंटिटी, तो आप इसे ट्रांसफर करना चाहते हो, मे ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे, एज पर रूल्स और रेगुलेशंस जो ये बने हुए हैं। टू, अभी तो हमने चर्चा की कि PRI से PRI, PRI से PROI एलिजिबल है ना एलिजिबल, तो आप PRI को भी ट्रांसफर कर सकते हो या PROI को भी ट्रांसफर कर सकते हो। अभी तो हमने पढ़ा PRI कौन होना चाहिए, जो एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल PRI, यही ऊपर पढ़ा हमने, वही की वही गाइडलाइंस दोबारा आ गई। उसके बाद इसके अलावा अगर मान लीजिए ट्रांसफर हो रहा है किस वजह से, ड्यू टू एनी मर्जर, ये जो ट्रांसफर ऑफ इक्विटी हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, PRI का ट्रांसफर ऑफ इक्विटी किस वजह से हो रहा है, मैंने किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया था जो कि अब मर्ज हो रही है, या फिर डीमर्ज हो रही है, या फिर अमलगमेशन या टेक ओवर हो रहा है, कोई भी ऐसा कारण है, तो हमारी एक कंपिटेंट अथॉरिटी है, उससे भी अप्रूवल चाहिए। सेक्शन 234 ध्यान हो तो कंपिटेंट अथॉरिटी RBI है, अप्रूवल। हमारे देश की भी अथॉरिटी एज पर लॉ ऑफ इंडिया, और अगर फॉरेन लॉ कहता है तो उनकी भी अप्रूविंग अथॉरिटी चाहिए, और होस्ट कंट्री।
ठीक हो गई इतनी बात, आइएगा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं इसके बाद। पढ़ना शुरू कीजिएगा ट्रांसफर के बारे में क्या लिखा है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होल्डिंग द इक्विटी कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स में ट्रांसफर सच इन्वेस्टमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस। तो PRI जो कि इक्विटी कैपिटल हेल्ड करता है वो उसे ट्रांसफर कर सकता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरी बात, PRI may transfer equity capital by the way of sale to a PRI who is eligible to make such investment or to a person resident outside India. In case the transfer is on account of the merger, amalgamation, demerger or an account of the buyback वगैरह, then such transfer or liquidation in the case of liquidation of the foreign entity shall have the approval of the foreign of the competent authority. हमारे देश में RBI. As per the applicable law in India or the law of the host country as the case may be. फिर fourth कहता है कि where the disinvestment by the person resident in India pertains to the ODI. अगर disinvestment हो रही है by a person resident in India pertains to the ODI. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो एक शर्त यह है, मेरे ख्याल से अब आपके पास यहां पर स्पेस नहीं होगा ना, मैं इसी में एडजस्ट करवा दूं, ध्यान से देखना। वेयर द डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, मतलब जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी लिस्टेड एंटिटी में, अगर आपने 10% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए होंगे, या फिर लिस्टेड एंटिटी में 10% से कम है मगर आपके पास कंट्रोल होगा, ठीक है, या आप मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होंगे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। अब आप उसकी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो फिर द ट्रांसफरर इन केस ऑफ अ फुल डिसइन्वेस्टमेंट अदर देन बाय द वे ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन को छोड़ दो, लिक्विडेशन के अलावा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, लिक्विडेशन में तो क्या कुछ मिलेगा थोड़ा ना, बट अदरवाइज ट्रांसफर कर रहे हो, तो शैल नॉट हैव एनी ड्यूज आउटस्टैंडिंग फॉर अ रिसिप्ट विच सच ट्रांसफरर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द फॉरेन एंटिटी एज एन इन्वेस्टर इन द इक्विटी एंड डेट। ओ, ये कहना चाह रहा है, देखो जी ऐसा है पोपली साहब, अगर आपका नोरा से विवाह हुआ, 2 साल तक विवाह चला, उसके बाद मैंने नोरा से कहा कि नोरा हम दोनों अलग हो जाते हैं, नोरा ने भी कहा ठीक है हम दोनों अलग हो जाते हैं, मगर मैंने कहा नोरा मेरे अलग होने की शर्त ये है कि मैं तुम्हारे में से डिसइन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ मगर शर्त ये है कि तुम्हारे गले में मंगलसूत्र हमेशा पोपली के नाम का रहेगा। ये क्या बकवास हुई भाई, ये क्या बात हुई, ये बात बताओ, जब संबंध टूट रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ मंगलसूत्र तुम हमेशा पोपली के नाम का पहनोगे, ये कोई गलत नहीं है, चूड़ियाँ वही पहनोगे जो मैंने तुम्हें दी थी, ये कोई गलत नहीं है, ये तो अन्याय है। तो फिर तो वो यही तो कह रहा है, कह रहा भाई अगर पूरी तरह तू डिसइन्वेस्ट कर रहा है तो पूरी तरह करना, संबंध पूरी तरह से तोड़, फिर तू अगर ऐसा मत कह कि जी मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है ODI का, परंतु आज भी मेरी वहां पे थोड़ी सी इक्विटी है, परंतु आज भी थोड़ी सी मेरे वहां पर डेट है, ऐसा नहीं कहेगा तू, ठीक है। और अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करो, मगर कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट वहां 1 साल तक की जरूर रही हो, तो यानी कि नो रिलेशन, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी पब्लिक डेट टू बी रिटेन्ड। दूसरी बात, डिसइन्वेस्टमेंट कब कर सकते हो, ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद ही डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक हो गई इतनी बात भी।
दिस इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पर्टेंस टू द ओडीआई, ओडीआई से पर्टेंस करती है द ट्रांसफरर इन केस ऑफ अ फुल डिसइन्वेस्टमेंट। अगर फुल डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है अदर देन बाय द वे ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के अलावा, लिक्विडेशन में पॉसिबल है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट, क्या मतलब आपकी सिक्योरिटी खत्म हो रही है तो वहां पे पॉसिबल है कि आपकी इक्विटी हो या आपका डेट हो आउटस्टैंडिंग माना जा सकता है, बट अदर देन लिक्विडेशन अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कोई संबंध नहीं होगा, उनके गले में कोई मंगलसूत्र अब तुम्हारे नाम का नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर कम से कम एक साल की जरूर रहनी चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात भी? अरे भाई बोलो ना। हाँ फिर, प्रोवाइडेड दैट अबव कंडीशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। हाँ जी, ये जो कंप्लीट संबंध विच्छेद, संबंध तोड़ने की जो बातें की है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। जब जब मर्जर, अमेलगमेशन, डीमर्जर होगा विद टू और मोर फॉरेन एंटिटी डेट आर होली ओन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द इंडियन एंटिटी और वेयर देर इज नो चेंज और डाइल्यूशन इन द एग्रीगेट इक्विटी होल्डिंग ऑफ द इंडियन एंटिटी इन द मर्ज्ड और डीमर्ज्ड और द अमेलगमेटेड एंटिटी। सत्यानाश, हे भगवान, क्या क्या डाला है, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। यानी कि अबव रूल ऑफ फुल डिसइन्वेस्टमेंट, नॉट एप्लीकेबल टू, ये एप्लीकेबल नहीं होगा कब, मर्जर एक्सेट्रा। अच्छा, इफ, पहली कंडीशन क्या है, ये जो फॉरेन एंटिटी है इज होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ इंडियन एंटिटी की, ऑफ इंडियन एंटिटी की, मतलब फॉरेन एंटिटी इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडियन एंटिटी है, तो वहां ये जो संबंध विच्छेद वाली बात है कि संबंध तोड़ देने हैं पूरे, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो अबव कंडीशन है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। अबव कंडीशंस, ये लिखना, अबव कंडीशंस इन रूल ऑफ फुल डिसइन्वेस्टमेंट नॉट एप्लीकेबल टू। भाई मेरी औलाद है, मैं संबंध कैसे तोड़ सकता हूं पूरे के पूरे, होली ऑन सब्सिडरी है मेरी वो। ठीक है, अगली बात, और मर्जर एग्जेक्ट हुआ है एंड देर इज नो चेंज पब्लिक डाइल्यूशन इन टोटल इक्विटी ऑफ इंडियन एंटिटी इन मर्ज्ड एंटिटी। लो जी भाई, लो जी, लो भाई लो। तो ये जो दोनों कंडीशन डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी अप्लाई नहीं होंगी, मर्जर पर। अगर ये जो फॉरेन एंटिटी है जिसका मर्जर हुआ है, ये होली ओन सब्सिडरी है ऑफ द इंडियन एंटिटी, तो जिस वजह से इंडियन एंटिटी की डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है पूरी की पूरी, मर्जर के कारण हो रही है ना, तो क्या दिक्कत है भाई, मर्जर के कारण हो रही है ना। एचडीएफसी बैंक ने अगर अपनी 5 सब्सिडरी जोड़ दी, इंफोसिस ने अपनी 4 सब्सिडरी विदेशों में जोड़ दी, क्या दिक्कत है, मर्जर हो रहा है उनका, क्या दिक्कत है। और देर इज नो चेंज इन द ओवरऑल जो टोटल इक्विटी होल्डिंग है, उसमें मर्जर के कारण इंडियन एंटिटी की जो होल्डिंग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब प्रभाव ही नहीं पड़ रहा तो तुम्हें दिक्कत क्या है, जब प्रभाव ही नहीं पड़ रहा मर्जर वगैरह में, ध्यान रखना ये कब नहीं लगेंगे, मर्जर में नहीं लगेंगे, कब लगेंगे, मर्जर नहीं होगा तब लगेंगे। क्या लगेगा, ये कहता है जी डिसइन्वेस्टमेंट अगर पीआरआई कर रहा है ओडीआई के अंदर, जो उसने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, अगर उनके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है तो ट्रांसफरर, अगर मान लीजिए फुल, ठीक है, अगर ट्रांसफरर पूरा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है लिक्विडेशन के अलावा, तो फिर
भाई तुम्हारे गले में मेरा मंगलसूत्र नहीं रखना, ध्यान रख लेना। कोई रिलेशन इक्विटी या डेट के अलावा नहीं रखोगे, पूरा डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरी बात, ट्रांसफरर इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कम से कम 1 साल तक उसने इन्वेस्टमेंट की हो। ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी, नहीं होंगी। कब अप्लाई नहीं होंगी? मर्जर और अमलगमेशन के केस में। अगर मान लीजिए वो जो फॉरेन एंटिटी है, मर्जर अमलगमेशन हो रहा है और वो मेरी कौन है, होली ओन सब्सिडरी है, या फिर मेरी इक्विटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो लॉबी कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आता है मेरा रीस्ट्रक्चरिंग। अब सवाल उठा, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग वैसे तो कई तरीके की हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन दे देना टाइम वगैरह में। और एक रीस्ट्रक्चरिंग जो यहां पर इस वक्त कवर की गई है वो है ऐसी सिचुएशन जहां पर आप आपकी बैलेंस शीट के अंदर लॉस आ रहा है और आप उस लॉस में से अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो। मतलब कैपिटल है आपकी 10 करोड़ और लॉस है 1 करोड़, तो आपने कैपिटल माइनस लॉस करके अपनी कैपिटल को शो किया 9 करोड़। ऐसा करते हो ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के टाइम पे आप करते हो, दिस इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड एन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन एंटिटी मे परमिट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट बाय सच फॉरेन एंटिटी। यानी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने ODI की है वो रीस्ट्रक्चरिंग बाय द फॉरेन एंटिटी अलाउ कर सकता है, विच हैज बिन इनकरिंग लॉसेस फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स, जो कि बैलेंस शीट देखकर पता लग जाएगा, सब्जेक्ट टू द कुछ कंप्लाइंसेस वगैरह का ध्यान रखना है, एंड सब्जेक्ट टू डिमिनेशन इन द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टूवर्ड्स सच पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी एंड डेट आफ्टर सच रीस्ट्रक्चरिंग नॉट एक्सीडिंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अरे बाप रे, एग्जाम्पल नंबर 1, आइएगा जरा, हो सके तो जब तक मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं तब तक एक बार दोबारा से पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। पढ़ के देख लो जी दोबारा क्या लिखा है। कहता है जी बात बड़ी सीधी सी है कि अगर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, आपने इन्वेस्ट किया है इन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी में, वो ऐसी एंटिटी है जो कि लॉस में है फॉर 2 ईयर्स, तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर रहे हैं हम, अलाउड। पहली बात, अगर आप कंप्लायंस करते हैं, कंप्लायंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग वगैरह का कंप्लायंस करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह का कंप्लायंस करते हैं, तो हम आपको रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह अलाउ कर सकते हैं। आपको ये रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह अलाउ की जा सकती है अगर आप इन सब चीजों का कंप्लायंसेस करते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात, फिर कहता है वो जो डिमिनेशन होगा ना, जो आपका अब इक्विटी कम हुई लॉस के कारण, तो जो डिमिनेशन होगा वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट ऑफ लॉस में चलना चाहिए। मतलब आपका पता लगा ज्यादा लॉस आपको दे दिया, ऐसा ना हो। तो यानी कि डिमिनेशन, हम अपने इंडियन इन्वेस्टर का कम नुकसान नहीं होने देंगे इन टोटल आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स PRI शेल नॉट एक्सीड 1/2 loss। तो डिमिनेशन इन द टोटल आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स द PRI इट शेल नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनेट लॉस। जी कैसे? मतलब एग्जांपल नंबर 1, ए लिमिटेड, ये कोई फॉरेन एंटिटी है,
इक्विटी कितनी है? इक्विटी है 10 करोड़, लॉस हुआ है 1 करोड़। इसमें से इंडियन एंटिटी का था 4 करोड़, इंडियन एंटिटी के 4 करोड़ थे। रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, मैंने कहा जी अब फ्रेश इक्विटी कितनी हुई? 9 CR। तो इंडियन एंटिटी के कितने होने चाहिए? क्या मैं कह सकता हूं 3.6 CR? तो प्रोपोर्शनेट हो गया ना, लॉस 40 लाख का इसे बढ़ेगा भाई, 10 करोड़ में 1 करोड़ का लॉस बटा है, तो उसमें से 4 करोड़ इंडियन का था, तो 4 करोड़ को 10% कितना मिला होगा? 40 लाख का लॉस मिला होगा, तो मतलब इंडियन एंटिटी का रिमेनिंग रह गया 3.6 करोड़। तो उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा लॉस नहीं दिया इंडियन एंटिटी को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, एक और पेज फंसा हुआ है, वो क्या? अगर मान लीजिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो $10 मिलियन से ज्यादा है, इफ डिम्यूनिशन जो हुआ है, मुझे स्पेलिंग गलत लग रहा हूं ना, डिमिन्यूशन होना चाहिए, हाँ जी, अगर जो डिमिन्यूशन हुआ है, मतलब भावनाओं को समझना, अगर स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो, वेयर जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, मतलब कितनी बड़ी थी? $10 मिलियन की थी। अगर डिमिनिशन कहां हो रहा है, जहां पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट $10 मिलियन से ज्यादा की है, या फिर अगर डिमिन्यूशन की बात करूं, वो 20% से ज्यादा का लॉस आपको बट रहा है, मतलब 20% से ज्यादा नीचे आ रही है आपकी इक्विटी, तो फिर तो हमें चाहिए सर्टिफिकेट वैल्यूअर के द्वारा कि आज के डेट में आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी है। इट शेल बी सर्टिफाइड ऑन आर्म लेंथ बेसिस, किसके द्वारा? बाय वैल्यूअर के द्वारा। और ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए, ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो आप इन्वेस्टमेंट, जो आप शेयर्स की आप वैल्यूएशन कर रहे हो, 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी, नॉट मोर देन 6 मंथ्स बिफोर ट्रांजेक्शन डेट, बिफोर ट्रांजेक्शन डेट। लो जी, आइएगा एक बार पढ़ना शुरू करें। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है जी रीस्ट्रक्चरिंग के केस में क्या होगा जी? अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु हैज मेड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन एंटिटी may permit restructuring of the balance sheet by such foreign entity which has been incurring losses for the previous 2 years as per its audited balance sheet subject to ensuring the compliances documentation वगैरह का compliances देख लेना and subject to the diminution in the total value of outstanding dues towards such person resident in India on account of the investment in the equity and debt after restructuring not exceeding the proportionate amount of the accumulated loss। मतलब प्रोपोर्शनेट लॉस मिला आपको, ज्यादा लॉस नहीं मिला, ध्यान रखना, ठीक है? पता लगा देश का पैसा डुबा के आ गए। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सच डिमिनिशन वेयर द अमाउंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन $10 मिलियन और इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच डिमिनिशन एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड द इंडियन एंटिटी। यानी कि इंडियन एंटिटी का 20% से ज्यादा का डिमिनिशन हो रहा है इस लॉस के एडजस्टमेंट की वजह से, तो डिमिनिशन इन वैल्यू शेल बी ड्यूली सर्टिफाइड ऑन द आर्म लेंथ बेसिस बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर
एज पर द कंपनी एक्ट या फिर जो जो भी होस्ट कंट्री का वो जो जो भी कानून है उनके अनुसार, मतलब वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है डेटेड नॉट मोर देन 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, जो ट्रांजेक्शन मतलब रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, फिर आता है जी कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। कहते हैं अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और द और दीज रूल्स, अच्छा, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल मेक ओडीआई इन द फॉरेन एंटिटी इंगेज इन, हाँ जी, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल मेक एन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन एंटिटी इंगेज इन रियल एस्टेट एक्टिविटीज में। अब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। सब प्राइम इशू आया था भाई साहब, और फिर रिसेंटली चाइना का इशू आया था अभी, तो जिसकी वजह से रियल एस्टेट में मना कर दिया है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं करने देंगे, गैम्बलिंग में नहीं करने देंगे, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन रुपीज में डील करते हैं विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई उनके अंदर भी डीलिंग नहीं करने देंगे। यानी कि ओडीआई करो मगर इन तीनों में नहीं, ओडीआई इन द रियल एस्टेट सेक्टर अलाउ नहीं है, ओडीआई गैम्बलिंग में अलाउ नहीं है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन द आईएनआर जो डील करते हैं उनमें अलाउ नहीं है जब तक आपके आरबीआई से अप्रूवल ना मिल जाए। फिर कहता है जी एक्सप्रेशन रियल एस्टेट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब मैं कहता हूँ रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द रियल एस्टेट और ट्रेडिंग इन द टीडीआर बट डज नॉट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। तो यानी कि इंडियन कंपनी डीएलएफ विदेशों में कंस्ट्रक्शन कर सकती है, यस, विदेशों में बंगले बना, प्रोजेक्ट बना, जो मर्जी बना, बट विदेशों में आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि रियल एस्टेट में लगे हो, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हो, जिसका काम रेजिडेंशियल या कमर्शियल शॉप्स खरीदना है या फिर कमर्शियल प्लॉट्स खरीदना है, ऐसा काम नहीं। हाँ, जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में लगी हो वह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल 3 ऑफ द कैट, विदेशियों को ना हम अपने यहाँ करने देते हैं ना हम अपने वालों को वहां करने देते हैं। ठीक है ना, चले अगली बात। अगली बात ये तो हो गया कि यहाँ यहाँ अलाउ नहीं है, इसकी समरी शायद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी था। फिर कहता है जी अगर आप किसी ओडीआई करना चाहते हो किसी स्टार्टअप्स में, भाई हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या तुम्हें कम लग रही है जो तुम विदेशों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो हमारे पैसे मत लगवाओ। हमारे पैसे, क्या सोचो कितना गलत लगेगा कि हमारे पैसे विदेशी स्टार्टअप्स में लगवा रहे हैं, हम अपने देश के स्टार्टअप में ना लगाएं तो हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी बैंक लोन की स्कीम चल रही है। इसलिए अगर आप करना चाहते हो वी डोंट हैव एनी इश्यू, बट अपना इंटरनल अक्रूवल से लगाना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ओडीआई इन स्टार्टअप्स अलाउ तो है, आउटसाइड इंडिया अलाउ तो है, बट ध्यान रखना ओनली फ्रॉम तुम्हारे इंटरनल एक्रूवल से होनी चाहिए, हम पैसा नहीं देंगे इसके लिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में ओन फंड से होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और बात, आपको हालांकि आपके लिए रूल नहीं है वो एप्लीकेबल, बट सेक्शन 186 में एक रूल थे जो कहते हैं कि आप इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसी, सॉरी, आप इंडिया के अंदर मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी नहीं खोल सकते। ये लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से रिलेटेड 2017 के रूल्स हैं, सिलेबस में हुआ करते थे बट फिर सिलेबस से हटा दिया गया, 186 के नीचे आते थे। तो जो रूल कहते हैं कि इंडिया में मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, तो 186 सबसेक्शन 1 में लिखा है, फिर 2017 के रूल कहते हैं इन्वेस्टमेंट छोड़ो कोई भी सब्सिडरी में मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, यानी कि इंडिया के अंदर मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी ही अलाउ नहीं है, बट कुछ एक को अलाउ है। कौन कौन से को अलाउ है? किसी बैंकिंग कंपनी को अलाउ है, किसी गवर्नमेंट कंपनी को अलाउ है, एंड किसी नॉन बैंकिंग कंपनी को अलाउ है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ है, किसी गवर्नमेंट कंपनी को अलाउ है, यानी कि इन चारों को अलाउ है।
तो अदरवाइज आप इंडिया के अंदर कोई भी मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी नहीं खोल सकते। उसी रूल को बेस बनाते हुए लॉ मेकर ने लिखा कि अगर आप किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हैं किसी फॉरेन एंटिटी में, जो कि आपके पैसे को डाइवर्ट करके इंडिया में मोर देन टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी खोल रही है, तो ये अलाउ नहीं है। मगर बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट और एनबीएफसी में अलाउ है। ठीक है, तो यानी कि इसके पीछे की कहानी क्या है कि भाई बड़ी सीधी सी बात है, अपने कानून का पालन करवाना और क्या। जब हमारा कानून कहता है कि एज पर आर रूल्स ऑफ लेयर्स इन सब्सिडरी नॉट इन सिलेबस, नो कंपनी कैन हैव मोर देन टू सब्सिडरीज एक्सेप्ट बैंकिंग, सेकेंड इंश्योरेंस, थर्ड एनबीएफसी, फोर्थ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसके बेसिस पे ही आप लोगों ने कानून बनाया, बेस्ड ऑन दिस नो फॉरेन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया इन एंटिटी टू हैव नहीं गड़बड़ हो गई, रुको 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 रुको, इसकी लैंग्वेज चेंज करवानी पड़ेगी। इसके बेसिस पे रूल बनाया, क्या रूल बनाया है, कि नो पीआरआई टू मेक फाइनेंशियल कमिटमेंट इन फाइनेंशियल एंटिटी विच इन्वेस्ट विच इन्वेस्टेड इन इंडिया इन स्ट्रक्चर विद मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। लो जी, कोई भी पीआरआई ऐसी किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसी फॉरेन एंटिटी में फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं देगा जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठी है इन मोर देन टू लेयर्स ऑफ द सब्सिडरीज। तो सर जब अलाउ नहीं है तो इन्होंने कैसे इंडिया में मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया, कैसे होगा? 2017 के रूल आने से पहले जिन्होंने किया उनको चलता रहने दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसी फॉरेन एंटिटी हैं जिसने इंडिया में मोर देन टू लेयर्स ऑफ द सब्सिडरी खोल रखी है, तो फिर ऐसी किसी कंपनी में हम फर्दर इन्वेस्टमेंट किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के नहीं लगने देंगे। ठीक हो गई इतनी बात, यहां से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगर ये रूल्स बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे वाला रूल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आने वाले हैं। ये 20वां बेकार है, फालतू का है। आगे आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। यॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आने के चांसेस इसी के हैं, इस रूल्स के। पहला क्या कहता है, हाँ जी, ये रूल क्या कहता है, आइएगा। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया की बात हम कर रहे हैं। कहता है जी, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू एक्वायर या ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद आरबीआई परमिशन।
बिना आरबीआई की परमिशन के आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया नहीं ले सकते, ये तो हो गया जनरल रूल। अब इसकी एक्सेप्शन आती है जहां पर आप ले सकते हैं, एक्सेप्शंस। देखो जी, बेशक आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो मगर हो फॉरेन सिटीजन, तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया प्लस फॉरेन सिटीजन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा हक नहीं बनता। सेकंड, कोई भी एक्विजिशन जो हुआ हो बिफोर 8th of July 1947, अब ये क्या डेट हुई भाई? एक्चुअल में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एक शर्त लगाई थी, एक्चुअल में शर्त कह रहा हूं कंडीशन लगाई थी, वैसे कंडीशन और शर्त तो सेम ही हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या कि भारत में बहुत सारी रियासतें थी, रियासतें मतलब छोटे छोटे राजा थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे। तो इन्होंने कहा, यार तुम तो हमें धोखा देके जा रहे हो, हमने तुम्हारे लिए अपने देश से दगा किया और आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, तो ये भारत की हुकूमत, भारत की जो सरकार है वो तो हमारी जान ले लेगी, हमारी सारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लेगी। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो ना, तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टियां, हीरे जवाहरात सोने चांदी सब हमारे साथ विदेश ले चलो। तो इन्होंने कहा ठीक है, अरेंजमेंट करो। तो अंग्रेजों ने आज़ादी की एक शर्त रखी कि 8th of July 1947 से पहले अगर कुछ भी जो इंडिया के बाहर गया है उस पर इंडिया कभी भी अपना राइट क्लेम नहीं करेगा। दिस वॉज द कंडीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमने साइन किया इस पर, और जो वो गया है पैसा, तो वो जो भी एक्वायर किया गया है उससे पहले यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, और योर आपकी नेक्स्ट जनरेशन कैन कंटिन्यू टू होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी कहते हैं ना इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्योंकि जहाज भर भर के आज़ादी के वक्त ऐसे भर भर के सोने चांदी गए थे यहाँ से। चलो जी, खैर अब क्या किया अंग्रेजों ने भी, खुद नहीं कमाया, लूट पूट के कमाया, तो क्या हो गया, आज रिसेशन में भयंकर, कुछ नहीं बचा वहाँ पर भी, हालात इतने गंभीर हैं लंदन में, बस साफ सफाई है, सुंदरता है बस, और क्या है, बाकी तो हाल क्या है वहाँ पे, तो जॉब लेस, ऐसे भयंकर जॉबलेस हैं आज के डेट में, तो पूछो मत। खैर, एक्वायर्ड फ्रॉम PRI acquired by PRI on lease up to 5 years, तो अलाउ है, तो अलाउ है जी, इन तीन केसेस में अलाउ है। तो पढ़ के देखिएगा फटाफट, no person resident in India shall acquire or transfer any immovable property situated outside India विदाउट द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक। जनरल परमिशन का मतलब होता है जो सबके लिए होती है, स्पेशल परमिशन का मतलब है जो केवल आपको मिली है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दीज रूल शैल अप्लाई टू अ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज अ नेशनल ऑफ द फॉरेन स्टेट। सेकेंड, एक्वायर्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन और बिफोर द 8th July 1947। थर्ड, एक्वायर्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years। Acquired by a person resident in India on a lease not exceeding 5 years. तो अगर 5 साल तक की लीज पे लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, RBI की परमिशन की जरूरत नहीं है, 5 साल से ऊपर लीज के लिए जरूरत है, yes. उसके बाद देखिएगा, फिर कहता है ऐसी तैसी कराए सब रूल नंबर 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल नंबर 1। ओके, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट और परचेज फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने एज पर द फेमा रेगुलेशन ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो यानी कि कोई RBI की परमिशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, a person resident in India may acquire immovable property outside India from a person resident outside India inheritance ke through, RFC account ke through, liberalized remittance scheme ke through, $2,50,000 ke limit, $2,50,000 ke limit। अगर मान लीजिए फैमिली मेंबर्स मिलके ले रहे हैं तो कंसोलिडेट हो जाएगा, हमने देखा था कि ज्वाइंट नाम पे परचेज होगी।
जॉइंटली विद द रिलेटिव हु इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ भी कर सकते हो और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के साथ भी कर सकते हो. आउट ऑफ द इनकम ऑन सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट अदर देन द ओडीआई एक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया है, आप इंडिया में आ गए, आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच के जो सेल प्रोसीड्स थी उसमें से कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी, भाई मैं इंडिया लौट के आया हूँ, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया थी, मैंने उसको बेचा और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की वहां पे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो लिखिएगा सेकेंड एक्सेप्शन, सेकेंड सब रूल जो कहता है PRI मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस या फिर गिफ्ट के रूप में या फिर परचेज कर रहे हो फ्रॉम किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से हु कंप्लाइड, जिसने कंप्लाई किया होगा फेमा का, बिल्कुल फेमा की गाइडलाइंस का पालन किया होगा. अगर आप ऐसे व्यक्ति से परचेज कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम, किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से भी एक्वायर कर सकते हो, जी कर सकते हो, किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से भी एक्वायर कर सकते हो आप. कैसे कर सकते हो? इनहेरिटेंस के थ्रू. पर्सन रेजिडेंट, सर ऊपर वाले इनहेरिटेंस और नीचे वाले इनहेरिटेंस में फर्क क्या है? ऊपर वाला PRI प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू एक्वायर कर रहा है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, बट जो इनहेरिटेंस करने वाला है वो शायद मेरे दादाजी हो जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो. भाई मेरे दादाजी पहले पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, अब वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, उनकी मगर विदेशों में प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने मुझे दे दी. बट अगर मेरे दादाजी विदेशों में बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हैं तो यानी कि ही इज अ PROI और उनसे मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूं. समझ गए? पहले भी बताया था सेक्शन 6 में डिफरेंस. या फिर RFC अकाउंट से हो रही है या फिर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू हो रही है, कंसोलिडेट हो सकती है विद रिलेटिव तो रिलेटिव के साथ कंसोलिडेशन कर सकते हो भाई. ठीक है, ये हम LRS स्कीम के अंदर पढ़ चुके हैं. जॉइंट नेम भी होनी चाहिए, सेक्शन 6 में लिखा है. सॉरी सेक्शन 6 कह रहा हूं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वहां पे लिखा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 5 के नीचे, याद है? अगर मान लीजिए PROI है आपका रिश्तेदार तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, जॉइंटली विद PROI जो आपका रिलेटिव हो, हु इज रिलेटिव अलाउ है, ये भी अलाउ है जी, कोई दिक्कत नहीं है. या उसके बाद आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स of investment held outside India, आपकी कोई investment outside India थी, उसकी sale proceeds में से आप immovable property acquire करना चाह रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो पढ़ के देख सकते हैं आप एक बार दोबारा से. ठीक है, तो मैं दोबारा बोल देता हूं, PRI कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस या फिर गिफ्ट या फिर परचेज फ्रॉम द PRI, वो PRI जिसने पहले कंप्लाई करके ही ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी फेमा रेगुलेशन को. फिर PRI कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है किसी PROI से भी, गिफ्ट के थ्रू, सॉरी इनहेरिटेंस के थ्रू भी एक्वायर कर सकता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से भी एक्वायर कर सकता है या फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू भी एक्वायर कर सकता है. अगर किसी रिलेटिव जो कि PRI है उसके साथ मिलकर कर रहा है तो भी जॉइंटली होनी चाहिए, और अगर कोई रिलेटिव जो कि PROI है उसके साथ मिलकर कर रहा है तो भी जॉइंटली होनी चाहिए.
या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया थी उसको रियलाइज करके आप कोई इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर करना चाह रहे हो उसी सेल प्रोसीड्स में से तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा, कहता जी इंडियन एंटिटी हैविंग एन ओवरसीज ऑफिस में एक्वायर इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अपने बिजनेस और रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ इट्स स्टाफ के लिए। ये रेलेवेंट है, अंडरलाइन कर दिया, ध्यान रखना इसे क्या लिखवाऊं, सिंपल है। तो फिर अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु हैज एक्वायर्ड एनी इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द फॉरन एक्सचेंज प्रोविजन इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सच एक्विजिशन में। अगर किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर की है फेमा के नियमों के मुताबिक, तो वो इसे ट्रांसफर कर सकता है, यस, बाय द वे ऑफ गिफ्ट टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज एलिजिबल टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी अंडर दीज रूल्स। यानी कि अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने इन रूल्स का पालन करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो वो उसे गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है किसी और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को, या फिर वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी क्रिएट कर सकता है, यस, चार्ज भी क्रिएट हो सकता है, चार्ज क्रिएट करके लोन भी ले सकता है। तो देखिएगा, कोई भी PRI हु एक्वायर्ड कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कोई एक्वायर की है तो मैं, हाँ जी, पहली बार ट्रांसफर कर सकते हो बाय गिफ्ट टू PRI जो कि एलिजिबल होना चाहिए, और बाय सेल, और चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट चार्ज, क्रिएट चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो ओवर सच प्रॉपर्टी। गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करना चाहते हो PRI को कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो भी एलिजिबल हो एज पर द फेमा रेगुलेशंस, या फिर सेल भी कर सकते हो और चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो। बस ये इमोबल प्रॉपर्टी की रिलेटेड गाइडलाइंस थी। अब हमारे शेड्यूल शुरू हो गए हैं जिनकी हमने चर्चा की थी, तो उसके लिए मैं फर्दर क्लास से एक बना रहा हूँ और वो भी इतनी लेंथ की शायद बनेगी। चलो जी, कहता है जी होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन द इमोबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर देयर ऑफ शैल नॉट बी परमिटेड इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट परमिटेड। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर वॉयलेशन करके हुआ है फेमा का, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू टू होल्ड सच इमोबल प्रॉपर्टी, यू हैव टू रियलाइज इट और पैसा वापस लाओ। दस इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बाय वॉयलेशन ऑफ फेमा, we cannot continue such investment। वापस लाओ पैसा, violation कैसे किया है, ठीक हो गई इतनी बात। तो ये थी जी हमारे बेसिक, सारा स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, बेस बन गया, पिलर बन गए हैं, सॉरी बेस बन गया, आप छोटे से पिलर बस Schedule 1, Schedule 2 वगैरह के खड़े करने हैं, जो ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है। मेन दिक्कत ये था, मेन कॉन्सेप्ट ये थे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, धन्यवाद। आखिरी सेशन होगा फेमा का। थैंक यू।